ठीक है, और लुईस बेस आप लोग को सुनना चाहूंगी। पढ़ाई भी नहीं था, पढ़ाई लुईस एसिड आपको बता रहे। देखो एसिड एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आरएनएस का आपने सुना होगा, आरएनएस था वो तो है, क्या बोलता है फ्लोरेट देता है जो पानी में घोलने पर फ्लोरेट देता है, वो क्या होता है एसिड। जो प्लाज्मा देता है वो क्या होता है बेस। ये पढ़े हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। अब फिर ऐसा है वो फेल हो गया, मतलब कि आशा अभी कब पढ़ोगे उसको, ये अगले सेमेस्टर में थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे आप उसको। ऐसा मतलब कि सर एच प्लस देगा वो आरएनएस, तो दूसरा साइंटिस्ट था उसे अपने अपने कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। एच प्लस देता है वो क्या होता है एसिड, प्लस माइनस देता है वो क्या होता है बेस, आर, ठीक है अपने साथ। पर लुईस से ऐसा नहीं है, लुईस ऐसा बोलता है जिसके पास लॉन्च जिसके पास अष्टक पूरा नहीं होगा ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं होगा, ठीक है। जिसके पास अष्टक पूरा नहीं होगा तो वो क्या होते हैं लुईस एसिड। अष्टक होते इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अष्टक में आठ ना, तो इसके अंदर छह हो सकते हैं लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। और लुईस बेस क्या होता है जो लोन पेयर को देगा, जो लोन पेयर डोनेट करता है लोन पेयर, ठीक है। डोनर क्या कहलाएगा लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब जो इन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा लुईस एसिड। पिछले बार आपने अच्छे से पढ़ रखा इलेक्ट्रोफाइल वाला, इलेक्ट्रोफाइल जिंक के बारे में। आप देखो जैसे आप ऐसा करें एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको BCl3, ठीक है। एक एग्जांपल देखो BCl3 है, BCl3 मतलब बोरोन की आउटर मोस्ट कितने थे 3 और Cl कितने 3, तो होगा कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा है क्या इसका, नहीं है। तो लुईस एसिड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये देख तो H+ भी लुईस एसिड होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी एक भी नहीं है, एक तो होता ही है ना प्लस में क्या, तो एक भी नहीं है, ठीक है। सबको देख रहा हूँ। और उसके बाद देखो आपको पता इसका ये तो दो में स्टेबल हो रहा है ना, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दो, तो ये लुईस एसिड हो गए। और लुईस जैसे लुईस बेस क्या होगा इसके बाद लोन पेयर होगा, देखो इसके बाद दो एक्स्ट्रा है, इसको दो एक्स्ट्रा की जरूरत है, तो ये सिंपल ही बात इसको दे सकता है ना। तो समझ में आ गया लुईस एसिड क्या है, जिसके पास आउटर मोस्ट सॉरी ऑक्टेट कम्प्लीट होगा कह सकते हैं, ठीक है। या जिसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या कहलाएंगे लुईस एसिड। और लुईस बेस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम ट्राईहैलाइड पढ़ रहे हैं, बोरोन के ट्राईहैलाइड पढ़ते हैं। सपोज बोरोन देखो, बोरोन के ट्राईहैलाइड कौन कौन से होंगे, नंबर वन BF3 सबके साथ में BF3 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद BCl3, ठीक है, बोरोन सभी हेलोजन के साथ में आ रहा है। उसके बाद BBr3, उसके बाद BI3, ये थ्री प्रकार का क्यों बना रहा आपको सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इसकी थ्री है। अब देखो अब एक क्या सब बोरोन ही है, एस्टरीड है। हाँ अच्छा पूछो पूछो। अब देखो यहाँ इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन, देखो बोरोन के बाद छह ही तो होंगे। अब ओवरऑल BF3 के बाद बोरोन में कितने 3 और यहाँ पर 3, तो ओवरऑल कितने होंगे 6 ना, 6 इलेक्ट्रॉन के बाद सबको आता है ना। तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन इसके जो उसकी संख्या जो हो, तो इसके बाद भी 6, इसके बाद भी 6, तो सबके सब क्या है